हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस रेसिपी। और आज की रेसिपी है गुड़ का हलवा। ये रेसिपी बनाने में बहुत इजी है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं गुड़ का हलवा। तो गुड़ के हलवे की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे ये सारी सामग्री ली है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप भर के गेहूं का आटा लिया है और इसी के साथ 2 यहाँ पे हरी इलायची का पाउडर मैंने लिया है, जिसे मैंने बारीक दरदरा कूट लिया है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आपके पास जो भी है वो आप डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने बादाम, काजू और किशमिश लिए हैं। और यहाँ पे मैंने आधा कटोरी भर के शुद्ध देसी घी लिया है। घी की रेसिपी मैंने यहाँ पे घी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, तो आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हैं कि मैंने घी कैसे बनाया है। और एक फुल कटोरी भर के मैं यहाँ पे लूँगी गुड़। ये केमिकल फ्री गुड़ है, तो बस इतनी सामग्री हमें लगेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर मैंने 1.5 ग्लास भर के पानी डाल दिया है। और इसी के अंदर अब हम डालने वाले हैं गुड़। तो हमें ये गरम उबालना पड़ेगा पानी, ताकि हमारे गुड़ के अंदर की जो गुठलियाँ वो सारी अच्छे तरीके से घुल जाए। तो इस तरीके से हमें इस पानी को उबाल लेना है। अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए। अब ये पानी हमारे यहाँ पे उबल चुका है। और याद रखिए, जब भी हम हलवा बनाएंगे उसके अंदर गर्म ही पानी डालेंगे, ठंडा पानी मत डालिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये बन के रेडी है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर अब मैं ये घी डाल दूंगी। घी या तो फिर कम भी कर सकते हैं, टोटल ऑप्शनल है, पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आधा कटोरी जरूर लीजिएगा घी। नहीं तो फिर आप जब ये आटा जब इसके अंदर डालोगे तब आटे की गुठलियाँ हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आधा कप भर के घी लिया है, इसके अंदर अब मैं 1.5 कप भर के आटा डाल दूंगी गेहूं का। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे लो रखी है, लो ही फ्लेम पे हमें इसे भूनना है, नहीं तो फिर ये आटा जल जाएगा। इस तरीके से हमें इसे अच्छे तरीके से भून लेना है, इसे हमें गुलाबी होने तक भूनना है। तो आप कंटिन्यूसली इसे चलाते रहिए। तो मुझे इसे चलाने में तकरीबन यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है। तो इस तरीके से हमें धीमी आंच पे इसे अच्छे तरीके से सेक लेना है। देखिए यहाँ पे घी अलग हो रहा है, तो इस तरीके से हमें इसे भून लेना है। तो इसके अंदर हम गर्म ही पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालोगे तो घी हमारा बाहर अच्छे तरीके से छूटेगा नहीं। तो इस तरीके से मैं अब इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दूंगी। हमारा आटा यहाँ पे गुलाबी हो चुका है और हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ मैं इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमें इसे थोड़ा और भूनना है और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल दूंगी गुड़ का पानी, जो गर्म पानी है वो डालना है। इसे छलनी में छान के डालिएगा, ताकि गुड़ के अंदर अगर कुछ कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। इस तरीके से हमें पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, आधा आधा करके हम इसमें पानी डालेंगे। जितना जितनी क्वांटिटी, जितना पानी हमें इसमें लगेगा उतना हम पानी डालेंगे। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इसे, और बाकी का बचा हुआ पानी भी मैं इसके अंदर अब डाल दूंगी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाती रहूँ। अब हम इसे ढक के रख देंगे। तकरीबन हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखना है इस तरीके से। और मुझे ये हलवा बनाने में यहाँ पे 10 से 12 मिनट लगे हैं। तो आप भी इस तरीके से बनाइए और फिर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे हमारा हलवा बन के रेडी है। हलवा रेडी है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, बाहर सारा इसका घी निकल रहा है आटे में से, तो इसका मतलब है हमारा हलवा बन के रेडी है। तो
हलवा बहुत तरीके से हम बना सकते हैं। ये मेरा तरीका है जो मैंने आपको सिंपल तरीके से दिखाया है। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है गुड़ का हलवा। देखिए कितना अच्छा और कितना टेस्टी लग रहा है हमारा हलवा। तो आप भी इस तरीके से बनाइए और फिर मुझे बताइए आपका हलवा कैसे बना है, गुड़ का हलवा कैसे बना है। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।